हेलो फ्रेंड्स, स्त्री सर्कल 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डेली जी के बूस्टर के पार्ट 4 में आज हम सौर मंडल के बारे में देखेंगे। डेली जी के बूस्टर पार्ट्स में हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज का यह वीडियो हमारे सौर मंडल पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जे एल बेयर्ड ने, कॉपरनिकस ने, केपलर ने। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में आई है। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। सेकेंड क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुक्षल तारा। उत्तर है ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। उत्तर है उपग्रह। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कॉपरनिकस ने, गैलीलियो ने। उत्तर है केपलर ने। दोस्तों, यहाँ मैं कुछ और फैक्ट आपको बताना चाहूँगी। केपलर के नियम को गैलीलियो ने समर्थन दिया था। और यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। और कॉपरनिकस ने नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या 11? उत्तर है 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दोस्तों, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो को हटा दिया गया है, तो अब सौर मंडल में केवल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। उत्तर है निहारिका। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। हमारी आकाशगंगाओं की प्रारंभिक अवस्था को हम निहारिका कहते हैं, और हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सी ग्रह कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। उत्तर है अभिनव तारा। अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, 24 घंटे में, 23 घंटे 30 मिनट में, 23 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड में। उत्तर है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल, बुध, बृहस्पति या शनि? बुध। उत्तर होगा बुध। चंद्रमा की तरह बुध ग्रह में भी कलाएं दिखाई देती है दोस्तों। और यहाँ जो शनि ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें वलाएं होती है, शनि में वलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300, 56, 36 या 88? उत्तर होगा 88। बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या 88 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन से तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है?
नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन या ऑक्सीजन? उत्तर होगा हीलियम। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य? उत्तर है सूर्य। सूर्य एक तारा है। 13 क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 71%, 61%, 51% या 26%? उत्तर है 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 71% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, पृथ्वी को या शनि को? उत्तर है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर को अपने व्हाट्सएप नंबर पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डेली करेंट अफेयर पढ़ना है तो इस वेबसाइट में आप पढ़ सकते हैं। वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।